सेल्फी मूवी रिलीज हो चुकी है थिएटर में, जिससे मुझे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि इसके डायरेक्टर राज मेहता हैं, जिन्होंने जुग जुग जियो और गुड न्यूज जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। साथ ही साथ अक्षय कुमार और इमरान हाशमी साथ में ऑन स्क्रीन दिख रहे हैं, जिससे ये तो क्लियर हो रहा था कि मजा और स्टोरी दोनों ही रहेगी। लेकिन परंतु पर आगे जाकर पता चला कि ये मूवी रीमेक है 2019 में निकली मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस की, जिसको थैंक गॉड मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, जिसके वजह से ये मूवी मेरे लिए तो फ्रेश है और आई थिंक बहुत लोगों के लिए भी ये मूवी फ्रेश ही होगी। खैर भगजोदी छोड़ते हैं और सीधा मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं स्टोरी के बारे में, जहां एक बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार और एक फैन कम आरटीओ ऑफिसर के बीच पंगा हो जाता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जिस पंगे को वॉर बनाती है मीडिया, जो कि आजकल हर बॉलीवुड मूवी में एक जोकर या विलन की तरह पोर्ट्रे हो रही है, और वो क्यों हो रही है समझ में आ रहा है। 2020 में मीडिया बॉलीवुड वालों को एक्सपोज कर रही थी और आज बॉलीवुड वाले मिलकर मीडिया वालों को एक्सपोज कर रहे हैं, जिसमें तब हम लोग ने मजा लिया था और आज भी हम लोग मजा ले रहे हैं। सेम ऐसे ही इस मूवी में ऑडियंस को पोर्ट्रे किया गया है, जिससे तुम लोग समझ ही गए होगे कि कितना बढ़िया और एक्यूरेट स्क्रीन प्ले इस मूवी का। साथ ही साथ उससे ही बढ़िया थी इस मूवी में इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस, जो अक्षय कुमार को सारी लाइमलाइट ले जाने नहीं दे रही थी। और इस बंदे के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि इमरान हाशमी को स्क्रिप्ट चुनना और एक्टिंग करना बहुत अच्छे से आता है। अब बात करें अक्षय कुमार की, तो कांग्रेचुलेशंस, हमें हमारे पुराने अक्षय कुमार वापस मिल गए हैं, जिनके डायलॉग डिलीवरी में ही हमें कॉमेडी मिल जाती है और उनकी एक्टिंग इसमें ओवर एक्टिंग भी फील नहीं होती है। ऊपर से उन्होंने अपने कैरेक्टर को ऐसा विजय कुमार नहीं बल्कि खुद अक्षय कुमार बनकर दिखाया है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अक्षय कुमार इस बार अपनी मूवी को लेकर सीरियस है, जो कि उनकी प्रमोशन लेवल ही बता दे रही है, जिसमें उन्होंने गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया 184 सेल्फीज 3 मिनट में लेकर। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि मूवी के स्टार्टिंग में और एंडिंग को छोड़कर कहीं भी बीच में गाने नहीं आए। देर आए दुरुस्त आए, बॉलीवुड सुधर रहा है। अब ये तो हो गई पॉजिटिव बातें, नेगेटिव बातें भी हैं, जो कि स्टोरी का प्रेडिक्टेबल होना, क्योंकि स्टोरी काफी सिंपल रहती है समझने में, और ऊपर से अगर तुम लोग ट्रेलर देख रखे हो तो तुम्हें पता रहेगा कि कहां पे क्या क्या होगा। दूसरी नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगी कि मूवी को जबरदस्ती खींचा गया है, खासकर सेकंड हाफ में, जबकि हमें पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है। पर वहीं अगर बात करें फर्स्ट हाफ की, तो वो उसका अपोजिट कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। ओवरऑल कहूं तो मूवी एंटरटेनमेंट के नाम पे हमें बहुत अच्छे से एंटरटेन करती है और जानती है कि हमें कैसे बैठा के रखना है। ये मूवी मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि जाओ अपने फैमिली के साथ देखो, क्योंकि ये मूवी परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर है। तो यारो, ये थी मेरी सेल्फी मूवी के ऊपर रिव्यू। तुम्हें कैसी लगी मूवी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ऐसे ही दबा देना। और हाँ, अगर तुम्हें हाल ही में आए एंटमैन 3 के ऊपर और द नाइट मैनेजर वेब सीरीज के ऊपर रिव्यू चाहिए, तो मेरी ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर तुम्हें मेरे सोशल मीडिया हैंडल का लिंक चाहिए तो वो भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून, वंदे मातरम।